हेल्थ न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और आज सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर पीएमओ से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून को राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और आज सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैं और सत्येंद्र जैन दिल्ली की बेहतरी के लिए तपस्या कर रहे हैं। अगर एलजी साहब जबरदस्ती अनशन तुड़वाने की कोशिश करेंगे तो हम पानी भी त्याग देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित 5 मंत्री राशन कार्ड और आईएएस अधिकारियों की हड़ताल को लेकर एलजी हाउस पर 5 दिन से धरना दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की व्यवस्था को समझना चाहिए और ये बहानेबाजी छोड़ देनी चाहिए। और सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर यूपी से आ रही है, जहां सपा नेता आजम खान ने यूपी बोर्ड परीक्षा में 8वां लैन वाले आकाश द्विवेदी के चेक बाउंस मामले में सीएम योगी की आलोचना करते हुए कहा कि योगी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं बच्चों को अपने विधायक वाली सैलरी देना चाहता हूँ, बशर्ते वह अपनी ख्वाहिश जाहिर करे। और सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां कौशाम्बी जिले के चायल सीट से बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता का एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक संजय गुप्ता बिजली अधिकारी को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि 90% बिजली मुस्लिम चोरी करते हैं। इसके साथ ही गुप्ता ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मुस्लिम बस्तियों में जाकर सख्ती से चेकिंग करने और कार्रवाई करने की हिदायत दे रहे हैं। और आज सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने स्कूल चलो हम अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकाग्रता केवल पढ़ाई में नहीं, जीवन के प्रत्येक पड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी करे पूर्ण एकाग्रता के साथ करे, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है, खूब मेहनत से पढ़ो और खेलो। जीवन में सफलता पाने के लिए किताबी ज्ञान के साथ स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। और आज की अगली ताजा तरीन खबर पीएमओ कार्यालय से आ रही है, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रशेखर ने पीएम मोदी से राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय, राज्य रेलवे परियोजनाओं को तेज करने और पिछड़े जिले के विकास के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। और आज सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर ओडिशा से आ रही है, जहां ओडिशा के 30 वर्षीय युवक मुक्ति कांता विश्वाल ने पीएम मोदी को उनके द्वारा किए गए वायदे, ब्रह्मानी पुल का निर्माण और राहुल केला के अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के वादे को याद दिलाने के लिए पीएम मोदी से मिलने पैदल ही अपने घर से निकले, लेकिन आगरा पहुंचते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मुक्ति कांता 16 अप्रैल को राउरकेला से पदयात्रा पर निकले थे। और सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून को चुनना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में देहरादून आने से हर कोई खुशी से झूम रहा है, वहीं कांग्रेस का इसे लेकर सवाल उठाना खेदजनक है। और आज सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को एक पारी और 262 रन से हरा दिया है। भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने पहली पारी में 109 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेल रही अफगानिस्तान की टीम 103 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज भी जीत लिया है। और आज सुबह की अगली सबसे ताजा तरीन खबर पीएम मोदी द्वारा आरएसएस और बीजेपी को दी गई रात्रि भोज को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार की रात को अपने आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को रात्रि भोज दिया, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा आरएसएस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। इस अवसर पर आगामी 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियां और रणनीतियों पर चर्चा हुई। आपको
बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक 15 जून से शुरू हुई है, जो 2 दिन तक चलेगी। और आज सुबह की अगली ताजा खबर बिहार के नवादा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार बता रहे हैं कि नवादा के एसपी हरिप्रसाद ने नगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रसाद ने थाना प्रभारी को कड़ी निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक के ग्राम त्रिलोकिया के ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय और आवासों के नाम पर जमकर धन उगाही की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों से 10,000 से 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं शौचालय के नाम पर 150 रुपए प्रति लाभार्थियों से लिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।